हाय आई एम रचना, वेलकम टू माय चैनल। सी बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाले हैं हम आज। इसके लिए हमने ये हरे सेब जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं ये लिया है, और इसके साथ हम बैंगन भी डालेंगे। आधा किलो हमने लिया है हरा सेब और 250 ग्राम के करीब हमने बैंगन लिया है। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, इस सेब के जो है ऊपर का जो छिलका है वो नहीं उतारना, मगर बनाने से पहले इसको अच्छे से वॉश ज़रूर कर लेना 2-3 बार, क्योंकि अगर हम इसका छिलका उतार देंगे तो ये बहुत बड़ा सा सौगी सा हो जाएगा, गल जाएगा सब्ज़ी। इस तरीके से हम इसको हल्का सा क्लीन भी कर लेते हैं, अगर कोई इस तरह से हल्का सा कोई दाग हो वो हटा के, बट छिलका साथ में रखना है। हम इसमें पानी मैंने लिया है, इसके अंदर हम इसको काट के रखते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ा हुआ है ताकि ये काला ना हो जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या है एयर कॉन्टैक्ट में आके सेब जो है वो काला हो पड़ जाता है। तो क्योंकि हमने जो बैंगन है उसको डीप फ्राई करना है, और उसको डीप फ्राई करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उतने में ये सेब हमारे काले ना हो जाए इसलिए हम इसको पानी में सोक करके रखते हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा नींबू डाला हुआ है। बैंगन भी हमने काट लिए हैं, इस तरह से हमारी सब्जियां कट गई। इसमें हम 2 मिर्ची डाल देते हैं, ये इसमें क्योंकि सब्ज़ी बहुत खट्टी होती है, ये हरी मिर्च डालने से इसका स्वाद डबल हो जाता है। आपके पास अगर छोटी मिर्च है वो भी डाल सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह से मोटी। हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने सरसों का तेल डाला है। गैस ऑन करके हम इसको पहले हीट कर लेते हैं, क्योंकि सरसों का तेल में हम डायरेक्ट सब्ज़ी को नहीं फ्राई कर सकते, पहले हम उसको बहुत अच्छे से हमने इसको गर्म करना पड़ता है, इतना कि इसमें से धुआं निकले। हमारा तेल है ये काफ़ी गर्म हो गया है। अब इतने गर्म तेल में भी हमने डायरेक्ट अभी सब्ज़ी नहीं डालनी है, नहीं तो बहुत ऊंची-ऊंची छींटें आएंगी। ये सारा प्रोसेस सिर्फ सरसों के तेल के लिए ही कर रहा है। अगर आप कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें डायरेक्ट ही फ्राई कर सकते हो। सिर्फ सरसों के तेल में हम लोग उसको बहुत अच्छे से हीट करते हैं ताकि उसके कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो चली जाए। अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम बैंगन जो है वो फ्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। बैंगन को हमने हल्का ब्राउन करना है। बैंगन हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। ये ऑलरेडी गर्म है क्योंकि जिसमें हमने बैंगन फ्राई किए थे उसी में से मैंने ये ऑयल लिया था, तो इसको आगे फर्दर गर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा हींग डालती हूँ इसमें, अब जैसे ये गर्म हो गया थोड़ा सा हींग जो है वो तेल में हल्की सी नरम हो जाती है। अब ये देखिए, ये सेब मैंने पानी में रखा था नींबू वाले में, बिल्कुल काला नहीं हुआ। इसी तरीके से कभी भी अगर आपने सेब काट के जैसे ऑफिस वगैरह में ले जाना हो तो आप इसी तरीके से अगर उस पर नींबू निचोड़ देते हो वो कभी काला नहीं पड़ेगा। तो इस तेल में मैं अब ये सेब जो है डाल देती हूँ। इनको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि वैसे ही तेल में डालते ही हल्का सा गल जाएंगे, इसको पकने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सब्ज़ी को। इसी के साथ हम ये 2 हरी मिर्चें जो हमने काटी थी वो भी डाल देते हैं, उसको भी हल्का सा सौते कर लेते हैं। अब हम अपने सूखे मसाले डालना शुरू करते हैं। 1 चम्मच नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च बिल्कुल 1/2 टीस्पून, 2 चम्मच सौंफ का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। हम इनको सबको
मिक्स कर लेते हैं। अगर हमको थोड़ा सा लाल मिर्च कम लगे तो हम उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी लाल मिर्च और डालती हूँ। अब हम भी अपने फ्राइड बैंगन भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा इसको मिक्स करके हम इसमें आधा गिलास पानी डालते हैं। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेब जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं और बैंगन हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं क्योंकि हमने उनको डीप फ्राई किया है। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें एक नींबू निचोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होती ये सब्ज़ी, थोड़ी खट्टी मीठी, मीठी तो नहीं, हल्का सा खट्टा होता है इसमें। और उसी के साथ हम इसमें दो सूखी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। एक अच्छा सा मिक्स करके इसको धीमी आंच में हम ढक के पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट से ज़्यादा इसको पकने में नहीं लगेगा, इसको धीमी आंच पे छोड़ देते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। आप देख सकते हो इसमें जो हमारे सेब हैं वो भी गल गए हैं, बैंगन तो ऐसे ही गले हुए थे। हमारी सब्जी रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। इसको नॉर्मली चावल के साथ खाया जाता है कश्मीर में।